कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन में डिमांड में कमी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। इस बीच फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के बाद अमेरिका में भी अब मंदी का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के सदस्यों ने आगे महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी का ऐलान किया है। इससे डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि इस हफ्ते फेड बैठक के मिनट्स भी जारी होने वाले हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी गिरावट रही। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब सऊदी अरब और दूसरे ओपेक देश अपना उत्पादन बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक बार फिर से कोविड प्रतिबंध कड़े हुए हैं, जिसके चलते ऑयल की मांग कमजोर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सोमवार को 21 नवंबर यानी सोमवार को $85 प्रति बैरल के नीचे लुढ़क गई और यह सितंबर महीने के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि चीन में पिछले वीकेंड को 6 महीनों में पहली बार एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से मौत का मामला सामने आया। इसके चलते चीन ने फिर से लॉकडाउन के कड़े नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल खरीदार देश है और वहाँ लॉकडाउन रहने से ऑयल की मांग घट सकती है। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन जल्द रूस से ऑयल सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने पर ऐलान कर सकते हैं। इसे देखते हुए तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक प्लस क्रूड ऑयल के उत्पादन को 5 लाख बैरल तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। हाल के दिनों में क्रूड ऑयल में कमजोरी के साथ कुछ जानकारों द्वारा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ओपेक प्लस देश एक बार फिर सप्लाई में कटौती का भी फैसला ले सकते हैं। अक्टूबर महीने में ही ओपेक प्लस ने पिछले 2 साल की सबसे बड़ी कटौती की थी। कीमतें स्थिर करने के लिए ओपेक आगे भी ऐसे कदम उठा सकती है। अभी आपको बता दें कि 4 दिसंबर को फिलहाल ओपेक की बैठक होने वाली है, जिसमें उत्पादन को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।